नमस्कार, संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की करंट अफेयर क्लास शुरू करने से पहले मैंने जो करंट अफेयर की क्लास ली थी और उसमें जो मैंने सवाल पूछे थे वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल था बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना, तो इसका आंसर दिया था लिखमाराम जांगीर ने और जिसका आंसर था 3 जनवरी 1954। बाबा की बार्क की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954। दूसरा था बीएआरसी, बीएआरसी का मुख्यालय, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय, तो ये मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो मुंबई में ट्रॉम्बे, कहां पर है ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे मुंबई, ट्रॉम्बे मुंबई में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है। तीसरा क्वेश्चन था योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम, इसका आंसर दिया सुरेश कुमार ने, सुरेश कुमार ने इसका आंसर दिया योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है, अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम है। चौथा क्वेश्चन था वेस्ट बंगाल का गवर्नर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम, इसका आंसर दिया किरण गोदारा ने और इसका आंसर है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। वेस्ट बंगाल की राजधानी मैंने कल आपको बताई थी वो है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे स्थित है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, और कल कौन से क्वेश्चन पे ये बात आई थी वो मैंने बताया था कि बंगाल टाइगर की संख्या में कहां वृद्धि हुई है और वो आंसर था सुंदरबन। इसके अलावा एक क्वेश्चन था वो था मेडागास्कर और मॉरिशस की राजधानी, ध्यान रखना मेडागास्कर की जो राजधानी है वो है अंतानानारिवो, क्या राजधानी, इसका आंसर दिया चांदनी सरण, मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो, अंतानानारिवो। प्रोनंसिएशन सही ढंग से करना, प्रोनंसिएशन क्या है अंतानानारिवो, मेडागास्कर की राजधानी। और दूसरा है मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, जिसमें पीएम कौन है प्रवीण कुमार जगन्नाथ, इनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ को भारत का पद्म विभूषण 2019 दिया गया। ये सब कल के सवाल थे, आज भी मैंने टेलीग्राम पर टेस्ट लिया है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो एक बार जाके वो टेस्ट जरूर अटेंड करना और हमेशा वीडियो देखने के बाद टेस्ट लिया करो, जिससे आपको क्या होगा कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो देखोगे उसके बाद टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी कमी कहां रह गई और मुझे कहां सुधार करना है, क्लियर बात। अब मैं चलता हूं आज के सवाल पर, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उस व्यक्ति तक पहुंच सके जहां पर इसकी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे तो पढ़ने में जो जोश और उत्साह आएगा वो डबल हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। आज चालू करते हैं आज का पहला सवाल, कहां पर सरकार ने सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निर्णय लिया है। मैं बात करता हूं आज से 4 दिन पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उस राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने बातों ही बातों में भारत के लिए एक मिशन या भारत के लिए अभियान लॉन्च कर दिया। उस अभियान का नाम था आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। उसी अपील के मद्देनजर अभी सरकार ने स्वदेशी वस्तुएं सिर्फ पैरामिलिट्री कैंटीन में बेचने का निर्णय लिया है। किसमें? पैरामिलिट्री कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं बिकेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि पैरामिलिट्री कैंटीन कौन कौन सी होती है। देखिए, हमारे देश में 7 तरह की पैरामिलिट्री है,
सात तरह की पैरामिलिट्री वो कौन कौन सी है वो उसके अगली स्लाइड में है। अगले स्लाइड में सात तरह की पैरामिलिट्री है। देखिए यह सात तरह की पैरामिलिट्री है, कौन कौन सी है? सबसे पहला BSF, उसके बाद SSB, ITBP, CISF, CRPF, आसाम राइफल एंड NSG। ये सात तरह की पैरामिलिट्री है जो भारत में गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ध्यान रखना जो पैरामिलिट्री है वह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, न कि रक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके अंतर्गत काम करती है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करती है। अब मैंने यहाँ पे सातों के नाम लिख रखे हैं, इसके सामने इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है। किसका नाम है? डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। सबसे पहला है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स भारत और म्यांमार की सीमाओं की सुरक्षा करती है। आसाम राइफल्स इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है सुखदीप सांगवान। क्या नाम है? सुखदीप सांगवान। सुखदीप सांगवान आसाम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल हैं। दूसरा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात रहती है। BSF के जो डायरेक्टर जनरल है वह है VK जोहरी। क्या नाम है? VK जोहरी, हिंदी में मैं यहां पे लिख लेता हूं जोहरी, VK जोहरी। तीसरा है CISF, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वापस बोल रहा हूं, CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यह भारत के प्रमुख PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब जैसे भेल हो गया, सेल हो गया आदि जो महारत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा भारत के सभी मुख्य एयरपोर्ट, भारत की सभी प्रमुख पोर्ट्स, इन सब की निगरानी और सुरक्षा का दायित्व CISF के पास है। इसका जो डायरेक्टर जनरल है वह है राजेश रंजन। नाम क्या है? राजेश रंजन, राजेश रंजन। अगला CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका डायरेक्टर जनरल है AP महेश्वरी। कौन है? महेश्वरी, AP महेश्वरी। इसके बाद ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भारत और तिब्बत के साथ लगने वाली सीमा की सुरक्षा करती है। ITBP के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है SS देसवाल। नाम क्या है? SS देसवाल। अगला है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें अपन ब्लैक कमांडो भी बोलते हैं। और यह NSG भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यरत है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वह है अनूप कुमार सिंह। नाम क्या है? अनूप कुमार, अनूप कुमार, अनूप कुमार सिंह। अगला है SSB, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल इसके डायरेक्टर जनरल है कुमार राजेश चंद्र। इस तरह से भारत में ये सात पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और इनकी जो वर्तमान में कैंटीन है उनमें स्वदेशी वस्तुओं को ही बेचने का निर्णय लिया गया है। विदेशी वस्तुओं को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्लियर? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये जो सात पैरामिलिट्री फोर्सेस है ये भारत की तीन सेनाओं अर्थात थल सेना, जल सेना और वायु सेना से किस तरह से भिन्न है। देखिए समझना, ये जो सात पैरामिलिट्री फोर्सेस है यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। किसके अंतर्गत काम करती है? गृह मंत्रालय के अधीन। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है जिसके वर्तमान में मंत्री अमित शाह है। लेकिन जो भारत की तीन सेना है अर्थात जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जो भारत की ये तीन सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। क्लियर? यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है जिसके वर्तमान में मंत्री राजनाथ सिंह है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है
और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका जो टॉप ऑफिसर होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। ये सब डायरेक्टर जनरल है, यह आईपीएस ऑफिसर होते हैं, यह आईपीएस ऑफिसर होते हैं। लेकिन जो थल जल और वायु सेना है, थल जल और वायु सेना है, इनके जो टॉप ऑफिसर होते हैं वह जनरल रैंक का ऑफिसर होता है। क्लियर बात। थल सेना का ऑफिसर कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जल सेना का है करमवीर सिंह और वायु सेना का है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। मैंने आपके इन तीनों दिवस बताए थे, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर याद नहीं है तो एक बार वापस रिवाइज कर देना। चलता हूँ मैं इसकी अगली स्लाइड पर। किस सरकार ने हाल ही में सरकार ने सूक्ष्म उद्योगों की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए, हाल ही में सरकार ने सूक्ष्म उद्योगों की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? यह क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक पूरा चार्ट दे रहा हूं, वो समझना पड़ेगा आपको। देखिए, यह एक सारणी है, यह एक टेबल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, साल 2006 से हम जानते हैं कि अभी चार दिन पहले नरेंद्र मोदी लाइव आए थे, राष्ट्र को संबोधन दिया, उसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने भारत की जो MSME है, अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में बोलूं तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया। 2006 से परसों तक जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा थी वो यह थी। इस परिभाषा के अनुसार अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर कोई निर्माण की इकाई में काम करता है, तो उसका अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो, अगर वो उसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो तो वह सूक्ष्म उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सूक्ष्म उद्योग। अगर किसी विनिर्माण कंपनी का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से कम है, तो वह लघु उद्योग है, तो वह लघु उद्योग है, अर्थात स्मॉल एंटरप्राइजेस है। और अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है तो वह मध्यम उद्योग है। आपको ये सारणी दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, आप वहां से देख लेना, आपको वहां पर क्लियरली मिल जाएगी। दूसरा, ये तो था निर्माण सेक्टर की बात। अगर मैं बात करता हूँ सर्विसेज की, सर्विसेज मतलब जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है वो एक तरह की सर्विसेज है, दूसरा एक डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है वो भी एक तरह की सर्विस है। तो उसमें सूक्ष्म में अगर उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो वह सूक्ष्म था, लघु अगर उसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम है तो वह लघु था, और मध्यम अगर उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है तो वह मध्यम था। लेकिन वर्तमान में इस परिभाषा को बदलकर लघु व इसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों को कंबाइन कर दिया गया, दोनों को कंबाइन करके अब इन्हें बता दिया गया कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म उद्योग वह है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, लघु उद्योग वह है जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, और मध्यम उद्योग वह है जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह आईएएस लेवल तक के सवाल आते हैं इसमें। इसमें ऐसे दे देगा, एक तरफ दे देगा लघु सूक्ष्म और मध्यम, और इनकी लिमिट पूछ लेगा कि इनके इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है। अगर वर्तमान में पूछे तो लघु उद्योगों की इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, वह है 1 करोड़ रुपए, वह है 1 करोड़। अगर सूक्ष्म उद्योगों की है 1 करोड़, लघु उद्योगों की है 10 करोड़, और मध्यम उद्योगों की कितनी है 20 करोड़। ये टेबल आपके दिमाग में कंटेस्ट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा
वर्तमान में आपसे क्वेश्चन है, वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर अर्थात सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के मंत्री वर्तमान में कौन है? इसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलता हूं मैं अगले सवाल पर। देखिए आज की करंट अफेयर की क्लास में मैंने राजस्थान से संबंधित प्रश्न भी ऐड किए हैं। मैं आज राजस्थान से संबंधित दो तीन प्रश्न लेके आया हूँ और मैं आने वाली क्लासों में राजस्थान से संबंधित पूरा करंट अफेयर लाने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने पर टीचर का हौसला भी बढ़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर सिंह गुज्जर कौन से खेल से संबंधित है? नाम क्या है? सुंदर सिंह गुज्जर। सुंदर सिंह गुज्जर राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। कहां से संबंधित है? राजस्थान के करौली जिले से संबंधित है। राजस्थान के करौली जिले से संबंधित है। इन्होंने साल 2019 में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। कहां पे? उन्होंने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। यह एक पैरा एथलीट है और यह जो प्रतियोगिता हुई थी विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप यह हुई थी दुबई के अंदर। आपसे सवाल है, आपको बताना है कि दुबई के अंदर कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। वापस बोल रहा हूं, दुबई के अंदर कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब बात करता हूं, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुई दुबई के अंदर। उस प्रतियोगिता के अंदर सुंदर सिंह गुज्जर जो राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा सुंदर सिंह गुज्जर को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में सुंदर सिंह गुज्जर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करता हूं कि सुंदर सिंह गुज्जर कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वह बालाफेंक खेल से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, सुंदर सिंह गुज्जर कौन से खेल से संबंधित है, तब आपको आंसर देना होगा बालाफेंक। आपसे एक सवाल और है मेरा, दीपक चहार कौन से खेल से संबंधित है? यह क्वेश्चन है एलडीसी 2018 का। दीपक चहार कौन से खेल से संबंधित है? चलते हैं अगली स्लाइड पर। आज वापिस जीआईटी का सवाल है, अभी हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, यह कौन से राज्य से संबंधित है? ध्यान रखना, जीआई टैग मतलब जियोग्राफी इंडिकेशन, हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक, मतलब किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में उसकी जियोग्राफी के अनुसार उसकी जो वहां की फेमस चीज है उसको देश दुनिया के सामने नजर लाना, उनके सामने प्रदर्शन करना, यह जीआई टैग कहलाता है। अगर मैं बात करूं सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है। उससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि कश्मीर की केसर को जीआई टैग दिया गया। उससे पहले मैंने बताया था चाखाऊ चावल जो मणिपुर का था, चाखाऊ चावल जो मणिपुर का था उसे भी जीआई टैग दिया गया। उससे पहले मैंने ये भी बताया था
टेराकोटा जो गोरखपुर का था, गोरखपुर का था, उसे भी जीआई टैग दिया गया। गोरखपुर यूपी में है। इसके बाद अभी सोराइक ओवर पेंटिंग जो झारखंड की है, जो झारखंड की है, उसे जीआई टैग दिया गया। इसी के साथ एक है तेलिया रुमाल। कौन सा रुमाल है? तेलिया रुमाल तेलंगाना का है। कहां का है? तेलिया रुमाल तेलंगाना का, उसे भी जीआई टैग दिया गया। वापस लिख रहा हूं, तेलिया रुमाल तेलंगाना का है, तेलंगाना, इसे जीआई टैग दिया गया। वापस रिवाइज करवाता हूं, चाखाव चावल मणिपुर का ब्लैक राइस, जीआई टैग दिया गया। दूसरा टेराकोटा गोरखपुर, जीआई टैग दिया गया। तीसरा सोराइक खोवर पेंटिंग झारखंड की, जीआई टैग दिया गया। तेलिया रुमाल तेलंगाना का, जीआई टैग दिया गया। अब मैंने यह भी बताया था कल आपको, सबसे पहला जीआई टैग साल 2004-05 में, सबसे पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो पश्चिम बंगाल की है। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को सर्वप्रथम जीआई टैग 2004-05 में दिया गया। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि राजस्थान से जीआई टैग किस किस को दिया गया है। अब आज आपको वो जो मैं टेबल थी वो नीचे कमेंट बॉक्स बतानी है कि किस किस को राजस्थान से जीआई टैग दिया गया। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना। जो आंसर देगा उसको दिमाग में क्लियर हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा कि राजस्थान से किस किस चीज को जीआई टैग दिया गया है। यह आपकी भलाई के लिए, आप जितना लिखोगे जितना रिवाइज करोगे आपके उतना अच्छा है, आपके दिमाग में उतनी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको जीके का इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा। चलता हूं मैं अगली स्लाइड पर। देखिए ये है, आपको पिक्चर दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देखिए ये है तेलिया रुमाल। क्या है? तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल। अब देखिए इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि देखो इसमें एक ब्लैक कलर रंग का उपयोग किया है। कौन सा कलर है? ब्लैक। कौन सा है? एक तो है ब्लैक, दूसरा है लाल, ये देखिए ये है लाल, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है सफेद। इन तीन रंगों का प्रयोग किया गया है, एक तो है ब्लैक, लाल और सफेद। और सबसे बड़ी खास बात क्या है? और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो कलर निकाले गए हैं, जो ये कलर निकाले गए हैं वह सब्जियों से निकाले गए हैं, अर्थात वेजिटेबल कलर है जिनका उपयोग तेलिया रुमाल में किया गया है। दूसरी पिक्चर ये भी आपको दिख रही होगी, यह है सोराइक खोवर पेंटिंग। यह है सोराइक खोवर पेंटिंग। देख लीजिए यह दीवार पर बनाई जाने वाली पेंटिंग होती है, इसे भी वर्तमान में जीआई टैग दिया गया। अब मैंने आपको क्या बताया, जो सोराइक खोवर पेंटिंग है वह कहां की है? वह है झारखंड की। मैंने बताया वह कहां की है? वह है झारखंड की। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। क्या नाम है उनका? हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इनके जो गवर्नर है, इनके गवर्नर का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और यह भी ध्यान रखना झारखंड के अंदर एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है बेतला नेशनल पार्क। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए हाल ही में भारत ने विकसित स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट का नाम किया है। देखिए अभी आपने हाल ही में न्यूज में पढ़ा होगा कि भारत ने चीन से एंटीबॉडी परीक्षण किट का आयात किया है, लेकिन वह 100 में से 90% गलत रिजल्ट देने के कारण
भारत ने चीन को वापस लौटा दिए। अब मैं बात करता हूँ कोविड-19। कोविड-19 का परीक्षण दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है? दो तरह से। कोविड-19 इसका परीक्षण दो तरह से होता है। एक तो होता है वायरल टेस्ट और दूसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। अब देखो जो वायरल टेस्ट है वो किस तरह से होता है। वायरल टेस्ट में क्या होता है कि आपके नाक में वो टेस्ट बॉडी डल जाती है और आपके नाक से जो बलगम है उस बलगम का टेस्ट किया जाता है, वह तो होता है वायरल टेस्ट। और जो वायरल टेस्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है RT-PCR। क्या नाम है? RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और इस टेस्ट को RT-PCR इस टेस्ट को कोविड-19 के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। यह एक टेस्ट है जो कोविड-19 के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। नाम क्या है? RT-PCR। फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोरोना बहुत ज्यादा न्यूज में है और यह टेस्ट भी बहुत ज्यादा न्यूज में है। नाम ध्यान रख लेना RT-PCR। वापस बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब मैं बात करता हूँ दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। अब एंटीबॉडी टेस्ट भारत ने जो डेवलप किया है उसका नाम है कोविड कवच एलिसा। कोविड कवच एलिसा क्या होता है? इस एंटीबॉडी टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता वाला सिस्टम, वह क्या करता है कि हमारी बॉडी से कुछ प्रोटीन निकालता है, कुछ प्रोटीन का श्रवण करता है और उस प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं? उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं एंटीबॉडी। अब इस टेस्ट में क्या होगा कि हमारे शरीर में जो वो एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है, हमारे शरीर में जो वो एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है उस एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट को अपन बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। अभी भारत ने इसे स्वयं डेवलप किया है। भारत की कंपनी है जिसका नाम, भारत का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है पुणे के अंदर उसने इस कोविड कवच एलिसा टेस्ट को डेवलप किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इस सवाल के पीछे अपने 10 सवाल और कवर किए हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है, एंटीबॉडी क्या होती है, वायरल टेस्ट क्या होते हैं। अब इन सब बातों को दिमाग में याद रखना ताकि आपके एग्जाम में किसी ना किसी इन बातों पे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए यह भी राजस्थान से संबंधित सवाल है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस 12 मई को मनाया गया? आपसे बात करता हूँ 12 मई 1459 की। 12 मई 1459 में राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया। जोधपुर शहर में एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है उस पहाड़ी को अपन बोलते हैं चिड़ियाटोकी पहाड़ी। अर्थात 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अन्य नाम क्या क्या है। एक तो है मयूरा ध्वज। क्या नाम है? मयूरा ध्वज गढ़। और दूसरा नाम है गढ़ चिंतामणि। क्लियर। जो मयूरा ध्वज है अपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी आकृति मयूर के पंख के समान होने के कारण इसे अपन कौन सा ध्वज बोलते हैं? मयूरा ध्वज गढ़ बोलते हैं। दूसरा, गढ़ चिंतामणि क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब यह दुर्ग बनकर तैयार हुआ तो उसकी कुंडली निकाली गई और उस कुंडली में इसका नाम क्या आया? गढ़ चिंतामणि आया। इसके अलावा इस दुर्ग का निर्माण शुरू तो किया था राम जोधा ने लेकिन इसका निर्माण पूरा करवाया राम मालदेव ने। इस कारण राव मालदेव को अपन मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी बोलते हैं। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में एक महल है, उस महल का नाम क्या है? चोखे लाल का महल। क्या नाम है? चोखे लाल का महल।
चौखे नाम का महल, और इस महल का निर्माण भी राम मालदेव ने करवाया। जोधपुर का यह दुर्ग है मेहरानगढ़ वह लाल पत्थर या चित्तर के पत्थरों से बना हुआ है। आपको इस मेहरानगढ़ के बारे में और ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन हो वह नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। सब एक दो बातें जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर, चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। ब्राजील ने किसकी रक्षा के लिए सेना तैनात की है? देखिए इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका आंसर है अमेज़न जंगल। अब इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अगली स्लाइड में दूंगा, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड, देखिए अब इसमें क्या है कि यह एक मैप है। अब इस मैप में मैंने साउथ अमेरिका पूरा दिखा रखा है, ठीक है। सबसे पहले समझना यह है ब्राजील, यह है ब्राजील, यह है पेरू, यह है इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, और बोलिविया। यहां पर क्या है, अमेज़न के जंगल है। मैं आपको तो दिखा रहा हूं, देखिए ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये घूम के वापस यहां आया। ये यहां पर क्या है, यहां पर पाया जाता है अमेज़न के जंगल। यहां से क्या होता है, इक्वाडोर से यह जो रेंज आ रही है यह है इक्वेटर। अब यहां पे क्या होता है, इक्वेटर के आसपास हमेशा शाम को 4 से लेकर 5 दिन तक रोज वर्षा होती है। अब रोज वर्षा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज सीधा चमकता है। इस गर्मी के कारण यहाँ जो पानी होता है वह पानी वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है और शाम को यही वाष्पित पानी वापिस बरसता है। इस कारण यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम है अमेज़न, उस नदी का नाम है अमेज़न। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब पानी को बहाव ले जाने की क्षमता के आधार पर अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के चारों तरफ एक जंगल विकसित है, उस जंगल को अपन बोलते हैं अमेज़न के जंगल। ध्यान रखना दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका लगभग 20% अमेज़न के जंगल से आता है। कहां से आता है, अमेज़न के जंगल से। दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% आता है अमेज़न के जंगल से। इस कारण अमेज़न के जंगल को अपन दुनिया के फेफड़े भी बोलते हैं, धरती का फेफड़ा या दुनिया का फेफड़ा अपन किसको बोलते हैं, अमेज़न के जंगल को अपन धरती का फेफड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि ये दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से मिलता है। अब ये अमेज़न जंगल जो वहां के ब्राजील के नागरिक हैं, इस अमेज़न के जंगल को काट रहे हैं। इस कारण वहां के जो सरकार है उन्होंने वहां पे सेना लगा दी है इन अमेज़न जंगल की सुरक्षा करने के लिए। बात करता हूं मैं ब्राजील की। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, जो 2020 गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ब्राजील की एक सिटी है, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में 2016 का ओलंपिक खेला गया था। अब आपको बताना है कि 2016 रियो ओलंपिक में भारत से किन दो महिलाओं ने पदक जीते, उसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलता हूं मैं अगली स्लाइड पर। किस देश का रॉकेट अनियंत्रित होकर अटलांटिक महासागर में गिर गया? देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको भारत का गगनयान मिशन समझना होगा। भारत का गगनयान मिशन, देखिए यह 10,000 करोड़ का मिशन है। कितने का, 10,000 करोड़। भारत के 10,000 करोड़ का यह गगनयान मिशन भारत का मानवयुक्त मिशन है। इसमें क्या होगा, भारत के तीन एयरफोर्स के जवान
धरती से रवाना होंगे और धरती के चारों तरफ जो लो अर्थ ऑर्बिट है, मतलब ये धरती की सतह है, धरती की सतह से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर जाकर 6 से 7 दिन तक रहेंगे और फिर वापस धरती पर लौट आएंगे। यह भारत का मानवयुक्त मिशन है। इसमें ध्यान रखना कि यह लॉन्च होगा 2022 में। लेकिन 2022 में लॉन्च होने से पहले अपन इस गगनयान मिशन के दो ट्रायल करेंगे। एक तो ट्रायल 2020 हाल ही में इस साल के अंत में होने वाला है और दूसरा होगा 2021 में। इस ट्रायल में हम भारत इसरो एक रोबोट भी लॉन्च कर रहा है और उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। जैसा भारत अभी 2020 के अंत में ट्रायल करने वाला था, चीन ने यह ट्रायल अभी वर्तमान में कर दिया और यह ट्रायल चीन का असफल हो गया और उसका रॉकेट अनियंत्रित होकर अटलांटिक महासागर में गिर गया। चीन ने यह ट्रायल किया है। इस क्वेश्चन के साथ आपको भारत का गगनयान मिशन भी क्लियर हुआ होगा। चलता हूँ अगले साइड पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अटलांटिक महासागर का मैप। देखिए, यह है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। सबसे पहले यहां पे है यूरोप, यह है अफ्रीका, यह है नॉर्थ अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका। जो चीन का रॉकेट अनियंत्रित होकर गिरा है वह यहां पे गिरा है कहां पे? वह गिरा है अटलांटिक ओशियन में। बोला जा रहा है कि अगर यह रॉकेट 10 से 15 मिनट लेट हुआ होता तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वह बर्बाद हो जाता। क्लियर, चलता हूं अगली स्लाइड पे। यह आज का अंतिम सवाल। सबसे पहला, संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भारत की ओर से किसने भाग लिया? देखिए, अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग हुई है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कहां पर हुई? 2001 में संघाई में हुई, इस कारण इसका नाम संघाई सहयोग संगठन पड़ा। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर है? वह है बीजिंग में। कंफ्यूज मत हो जाना, इसका नाम संघाई सहयोग संगठन देखकर इसका हेडक्वार्टर संघाई टिक मत मार देना। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। संघाई में 8 सदस्य है। अब 8 सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है पाकिस्तान, पांचवा है कजाकिस्तान, छठा है किर्गिस्तान, अगला कौन सा है? उज्बेकिस्तान, और अंतिम है ताजिकिस्तान। ये इसके 8 मेंबर है। कौन कौन से हैं? रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। क्लियर। रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल, भारत दिल्ली रुपया, चीन की रेनमिनबी या युआन, राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की रुपया, इस्लामाबाद। अब आपको इन चारों देशों की राजधानी बतानी है। इन चारों देशों की राजधानी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। लास्ट ईयर जो आरएस का पेपर हुआ था उसमें एक तरफ ये चार देश दे रखे थे और दूसरी तरफ इनकी राजधानी दे रखी थी और आपको मैच करना था। इस बार के लास्ट ईयर आरएस क्वेश्चन में, आरएस के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया और इस बार जो संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग हुई है उसमें भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भाग लिया। मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत के विदेश सचिव कौन है, वह है हर्षवर्धन श्रृंगला। अभी हाल ही में भारत के विदेश
मंत्रालय के प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। इस तरह से चीज को इंटरलिंक करके याद करना, अच्छे से याद हो जाएगी। आज का ये अंतिम सवाल था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसे लगी, वीडियो को आगे अपने मित्रों अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करना ताकि ये वीडियो सब बच्चों तक पहुँच सके। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।